अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सानी लाही जहीर, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वेबसाइट। हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे और वेबसाइट बनाने के लिए हम उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्ट में हमें कौन सी चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती है वो होती है नक्शा, कि हमने घर बनाना कैसा है, उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें बनानी हैं, कितने रूम बनाएंगे, मतलब जो भी चीज़ें हमने बनानी हैं उनका हम पहले नक्शा तैयार करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना जो काम है स्टार्ट करते हैं। इसी तरह एक वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर। हम पहले बनाएंगे वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर हम उस पर मज़ीद वर्किंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो कमांड आप सीख चुके हैं कि ये जो हमारे पास टैग है टेबल वाला, ये हमारे लिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो चलिए हम नोटपैड ओपन करते हैं, अपना एडिटर ओपन करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एक वेबसाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जी दोस्तों, हमने नोटपैड ओपन कर लिया। मैं यहाँ आज हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो हम मुकम्मल टैग लिखेंगे, इसमें जो भी टैग हमारे पास यूज़ होते हैं, HTML का टैग, और मैं HTML का टैग क्लोज़ कर देता हूँ। इसके इनर साइड पे जैसा कि आप जानते हैं हेड का टैग हम यूज़ करते हैं, और हेड के टैग को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसके इनर साइड पे जो हम टैग यूज़ करते हैं वो भी आप लोग जानते हैं, उसका नाम है टाइटल। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ टाइटल होम। यहाँ मैं टैग टाइटल का क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम जब भी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास उसकी पहली फाइल हम बनाते हैं, पेज बनाते हैं, उसका हम नाम रखते हैं इंडेक्स। आपने भी इसका नेम इंडेक्स ही रखना है, index.html। मैं इसको सेव करता हूँ। इस नाम की मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल सेव है, तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या इस फाइल को उस पे ओवरराइट कर दूँ। मैंने कहा यस, तो ये फाइल उस फाइल की जगह सेव हो चुकी है। हमने टाइटल और हेड के बाद हमारे पास एक और टैग है, जिसे उस टैग के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसका नेम है बॉडी। मैंने बॉडी का टैग ओपन किया, बॉडी का टैग क्लोज़ किया। ठीक है, और हम इसकी बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। बॉडी में हम बनाएंगे टेबल, और टेबल की मदद से ही हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट का आज कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें मैं यूज़ करता हूँ टेबल, और ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स का कंसेप्ट है। तो रोज़ के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, TR, और मैं TR को क्लोज़ भी कर देता हूँ। इनर साइड पे हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है टेबल डेटा, जिसे हम कॉलम्स भी कहते हैं, वो भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं कॉलम में। मैं यहाँ टॉप पे अपनी वेबसाइट का बैनर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बैनर लिख के इस टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद हम कंट्रोल एस करके इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इसका डिस्प्ले क्या शो हो रहा है। ये देखिए, इंडेक्स की फ़ाइल जो मेरे पास थी, इसको मैं
डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा इंडेक्स। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ होम आ गया और बैनर इधर। अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ कोई सेटिंग करनी है अपने टेबल की, तो यहाँ मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं डिस्प्ले, तो ये हमारे पास बॉर्डर आ चुका है। अब हम मज़ीद सेटिंग करते हैं बॉर्डर का, मैं लगाता हूँ कलर इज इक्वल टू, यहाँ मैं कर देता हूँ रेड, कंट्रोल एस, और फिर हम इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे बॉर्डर का जो कलर है चेंज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर बॉर्डर कलर के बाद हमने इसकी विड्थ को कंट्रोल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विड्थ आपने कितनी रखनी है, 990। आज भी मैं 990 का ही बताऊंगा और 990 ही यूज़ करूंगा। ये देखें, ये हमारी विड्थ इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हम आएंगे इधर इसकी हाइट को कंट्रोल कर लेंगे। जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट को मैं यहाँ रख देता हूँ 200, कंट्रोल एस करते हैं और चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। अब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, एक साइड पे शो हो रहा है, इधर से ये मार्जिन ज़्यादा बचा हुआ है। हम इसको अलाइनमेंट यूज़ करके इसको सेंटर कर लेते हैं और ये देखिए हमारा बैनर जो है हमारे पास शो हो चुका है। अब हम ये कहते हैं कि बैनर, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, बैनर जो हमने लिखा हुआ है ये भी हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए तो अच्छा लगेगा। इसके लिए हम फिर एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ हम हमारा जो ये टैग है TD का, इसके इसमें हम अलाइन यूज़ करेंगे, अलाइन यूज़ करेंगे और हम यहाँ लिख देंगे सेंटर। तो इस तरह आप ये देखें, बैनर भी हमारे पास मिड में डिस्प्ले हो चुका है। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब हमने इस टैग को कॉपी करना है। अब हमारे पास ये जो टैग है टेबल का, इसको हमने कंप्लीट को कॉपी कर लेना है। टेबल, यहाँ हमने इसका टैग ये जो हमारे पास टैग है टेबल का, ये हमने कंप्लीट कॉपी कर लेना है और इसके नीचे हमने पेस्ट कर लेना है। यहाँ आप जितनी भी स्पेसेस यहाँ दें इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम फॉन्ट थोड़ा कम कर लेते हैं, अब हम डिस्प्ले चेक करते हैं हमारे पास क्या डिस्प्ले, ये देखें ये इधर आ रहा है। हम इसकी हाइट कम कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ मेन्यू बनाना चाह रहे हैं। इसकी हाइट हम कम कर लेते हैं, यहाँ हाइट मैं करता हूँ 30। यहाँ हम रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ये हमारे पास इसकी हाइट कम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ कुछ मेन्यूज़ बना देंगे। जैसा कि आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट्स में, बल्कि अक्सर क्या तमाम वेबसाइट्स में ही बने हुए होते हैं। ये हमारे पास जो है TD, इसको मैं करूँगा कॉपी। कॉपी करके जितने भी मैं मेन्यू या सेल बनाना चाह रहा हूँ मैं उतनी बार इन्हें पेस्ट कर दूंगा। और ये मेरे पास ऊपर वाले का हम नेम रखते हैं होम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने ये टैग यूज़ कर दिए हैं TD के, और इनमें मैंने नेम भी रख दिए हैं। जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसका होम और गैलरी, इसी तरह अबाउट और फिर कंटेक्ट अस और लास्ट पे रजिस्ट्रेशन। तो अब हम कंट्रोल एस करके इनका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ये इससे पहले मैंने रिफ़्रेश किया था, ये देखें होम, गैलरी, अबाउट, कंटेक्ट अस और रजिस्ट्रेशन, हमारे पास ये तो डिस्प्ले हो चुकी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी जो विड्थ है ये इक्वल हो जाए सबकी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हमारी जो टोटल विड्थ है ये है 990, इसको हम 5 पे डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5, इस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आता है 198। तो मैं यहाँ विड्थ लिख लूँगा इनकी,
विड्थ इज़ इक्वल टू 198, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके तमाम कॉलम्स में पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं इसका हमारे पास डिस्प्ले क्या आता है। ये देखें, बिल्कुल सब हमारे पास सारे के सारे कॉलम, सारे के सारे सेल्स इक्वल हो चुके हैं। मज़ीद आप अगर इसमें इसको थोड़ा मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं इज़ इक्वल टू, यहाँ हम कर देते हैं 6 या 7, चलें 7 कर देते हैं। तो हम चेक करते हैं हमारे पास डिस्प्ले में क्या चेंज आती है। ये देखें, ये हमने स्पेसिंग ऐड की तो स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब हम दोबारा कॉपी करते हैं हमारा जो फर्स्ट टेबल था, अपने फर्स्ट टेबल को कॉपी करते हैं और दोबारा नीचे इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ इस टेबल के नीचे हम इसको दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम न्यूज़ का एक टैब बनाने जा रहे हैं, ये टेबल, और यहाँ हम बैनर की जगह मैं लिख देता हूँ न्यूज़। न्यूज़ न्यूज़ लिख लेते हैं और यहाँ अलाइनमेंट के बाद मैं इसकी विड्थ भी लिख लेता हूँ जितनी मुझे चाहिए, जो कि 150 है। तो यहाँ 150 करके मैं इसका डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ। और ये हमारे पास डिस्प्ले न्यूज़ का ओपन हो चुका है। इसके साथ ही मैं इस टैग को कॉपी करके इसके नीचे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और दोबारा मैं यहाँ लिखता हूँ टुडे टुडे वी लर्न अबाउट अबाउट वेब पेज स्ट्रक्चर। इसको हम देख लेते हैं कैसा डिस्प्ले आएगा हमारे पास। ये देख लें, ये दो बन चुके हैं। इसके बाद हम मज़ीद इसको कॉपी करेंगे इस टेबल को, अगर आप दोबारा लिख लें तो बेहतर है, लेकिन ना भी लिखें तो कॉपी वाला काम मैं तो इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब इस टेबल में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस टेबल की मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लाइडर। इसकी थोड़ी सी मैं हाइट जो है बढ़ा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 300। और ये आप इसका डिस्प्ले भी चेक कर लें कि ये हमारे पास कैसे शो होगा। और इसके बाद मज़ीद भी मैं यहाँ इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं अपना कोई भी कंटेंट, ठीक है, यहाँ हम कंटेंट यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी हाइट मैं थोड़ी मज़ीद इंक्रीज़ कर देता हूँ 500। इसका हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं हमारे पास, ये देखें, ये हमारा जो है ये हमारा कंटेंट। और इसी टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें जो हमने कॉलम यूज़ किए हैं इसको मैं 2 टाइम कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं, कंट्रोल एस, और इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये आ चुका है। इसमें हम इनकी वेट्स को कंट्रोल करके हम यहाँ डिफरेंट मकसद के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अलाइनमेंट के बाद वेट्स इज़ इक्वल टू 150, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं लास्ट पे लिख देता हूँ। चलें, मिड वाले को हम नहीं छेड़ते, कुछ नहीं कहते, इसलिए हम इन दो की कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखें, इसकी हमने 150 रखी थी और इसकी 200, और ये इधर आ गया, जो बाकी रिमेनिंग थी वो इसे मिल चुकी है। इसके बाद हम इसको लास्ट पे एक बार मज़ीद इसे कॉपी करते हैं, बल्कि फर्स्ट वाले को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ हम लास्ट पे इसे पेस्ट करते हैं। जब हम लास्ट पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं फुटर, क्योंकि आपने देखा होगा वेबसाइट के लास्ट पे एक फुटर लगा होता है। आप फुटर कैसे लगा सकते हैं, यहाँ फुटर की हम जो हाइट है ये काफ़ी
डिक्रीज़ कर देंगे, काफ़ी कम कर देंगे। यहाँ हम कर देते हैं 20, और इसको हम डिस्प्ले इसका चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये फुटर कैसा, ये देखें फुटर हमारे पास इस तरह डिस्प्ले हो चुका है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ आपको वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आ चुका होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, जहाँ से आपको समझ ना आए तो फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।